हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। हम लोगों ने 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। सॉलिड स्टेट का ये लेक्चर 6 है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस के बारे में थोड़ा सा, और हम जानेंगे कि ब्रेविस लैटिस होता क्या है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि ब्रेविस लैटिस होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल में। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जब मैंने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए थे तो देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या था। 7 क्रिस्टल सिस्टम था, बेसिकली वहां पर 7 टाइप के सिस्टम थे। जैसे फर्स्ट ए की बात करूं तो क्यूबिक था क्रिस्टल सिस्टम। इसके जो यूनिट सेल बन रहे थे वो कितने बन रहे थे? 3 बन रहे थे। 3 कौन से थे? पहला था आपका फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी सिंपल वाला, ठीक है। दूसरी की बात करूं टेट्रागोनल की बात करूं तो क्या बन रहा था? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। थर्ड, ऑर्थो रोम्बिक की बात करूं तो क्या बन रहा था? इसके अंदर सारे के सारे यूनिट सेल आ रहे थे। फेस सेंटर्ड भी आ रहा था, बॉडी सेंटर्ड आ रहा था, प्रिमिटिव आ रहा था और एंड सेंटर्ड भी आ रहा था। बात करें फोर्थ CTO हारमथ, एच से क्या था? हेक्सागोनल। इसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा था? प्रिमिटिव। यूनिट सेल कौन सी आ रही थी? ओनली प्रिमिटिव। हेक्सागोनल के बाद में CTO हारमथ, आर से क्या था? तो देखिए जो फिफ्थ होता है रोम्बोहेड्रल, इसमें भी क्या होता है, किस टाइप का बनता है सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है। बात करें सिक्स, क्या थी अपनी ट्रिक, वापस बताओ, CTO हारमथ ये थी। तो अब रह गया MT। M का क्या है? मोनोक्लिनिक। और सेवेंथ कौन सा था? ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का क्या होगा? क्या क्या था? प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक का क्या है? ओनली प्रिमिटिव। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ ये चीज, मैंने आपको दोबारा ये चीज क्यों बताई है कि देखो ये जितने भी टाइप के यूनिट सेल बन रहे हैं ना, टोटल कितने टाइप के बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। ये जो 14 टाइप के यूनिट सेल बन रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के स्पेस लैटिस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं हम? ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं इस टाइप के अरेंजमेंट को हम? ब्रेविस लैटिस। तो इसलिए आपको मैंने आज ये पढ़ाया है। बहुत ज्यादा मतलब इसका हमें एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये 14 टाइप के जो स्पेस लैटिस है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। जो ब्रेविस है वो एक वैज्ञानिक के नाम पे ही पड़ा है जिसने इसकी खोज की थी, ब्रेविस लैटिस। तो चलिए इतना हम इसके पढ़ने के बाद में आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस बोलते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब आगे हम पढ़ते हैं। हम जो पढ़ेंगे अब आगे वो पढ़ेंगे कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है या फिर क्यूबिक लैटिस है, जो क्यूबिक लैटिस है उसके अंदर जितने भी यूनिट सेल्स हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल कितने हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर मैं बात करूं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इन सबके बीच में क्या था कि इसके अंदर कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि नंबर ऑफ
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्यूबिक लैटिस सिस्टम। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया है जो अपना लैटिस सिस्टम होता है उसके अंदर क्यूबिक कौन से यूनिट सेल बनाता है, कौन से बना रहा था क्यूबिक। पहला बना रहा था प्रिमिटिव, क्या बना रहा था प्रिमिटिव। दूसरा बना रहा था फेस सेंटर्ड। तीसरा क्या बना रहा था बॉडी सेंटर्ड, ये बना रहा था वो तीन। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इन तीनों में हमें ये पता लगाना है कि टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं प्रिमिटिव सेल के अंदर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। तो हम एक एक करके सब में पता लगाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन करना। चलिए पहले मैं कैलकुलेशन करती हूँ प्रिमिटिव सेल के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं और सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगी आपको, सबसे पहले बना के दिखाएंगे डायग्राम, उसके बाद आपको उसे समझ में आएगा। ये हो गया हमारा सिंपल यूनिट सेल, कब बनेगा ये नॉर्मल क्यूबिक तो हमारा हो चुका है, क्यूब बन चुका है। अब बताओ सिंपल यूनिट सेल कब बनेगा, जब हमारे जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। कहां होंगे, कॉर्नर्स पे, जैसे कि यहां 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 इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। तो टोटल कितने हो गए ये 8। आप सभी को पता है कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हमारा कोई भी अगर स्फीयर है या फिर जो एटम है उसका केंद्र है, उसका सेंटर है ये। अगर मैं यहां पर एटम अगर होगा तो वो किस हिसाब से होगा, ऐसे होगा, है ना, क्योंकि हम तो सिर्फ सेंटर मानकर चल रहे हैं, सेंटर के पॉइंट, सेंटर के पॉइंट है। तो ताकि हमें इजी रहे समझने के लिए, अगर सच में इसमें अगर हम एटम बिठाते हैं, अगर बिठा दिया तो उसका कितना पार्ट इसके अंदर आ रहा है, मतलब आप देखिए इस तरीके से बैठेगा सारा, इस तरीके से रियलिटी में एटम सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एटम सिचुएटेड होते हैं अगर हम बात करें, लेकिन हम सिर्फ पॉइंटों को लेकर चलते हैं, पॉइंट्स को हम इसलिए लेकर चलते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। तो अब मैं दोबारा इसको रब करके, आप चाहे तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, रब करके मैं सिर्फ इस पॉइंट पे बात करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया, कहां पर होंगे सेल्स, कहां कहां होंगे कंस्टेंट पार्टिकल्स, यहां यहां ठीक है, टोटल 8 जगहों पे कॉर्नर्स पे होते हैं। तो आप देखो कि यहां पर सबसे पहली कैलकुलेशन हमें करनी है कि एटम्स कहां पर है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर है, इन कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे है, कितने कॉर्नर्स है टोटल, पहले क्या लिखना है हमें कि टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, कितने हैं टोटल कॉर्नर्स, 8 है टोटल कॉर्नर्स। अब आपको ये पता करना है कि एक कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पर कितने हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मैं इस पॉइंट पर देख लेती हूँ कि कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो एक बार बनाते हैं हम, ये देखिए। अब आप देखो कि कौन सा पार्ट जो है क्यूब के अंदर आ रखा है, कौन सा पार्ट आ रखा है, ये वाला पार्ट ही आ रखा है। देखो ध्यान से देखना, सिर्फ ये वाला पार्ट ही आ रखा है क्यूब के अंदर आ रखा है, बाकी पार्ट तो बाहर है।
तो ये कितना पार्ट है, मैं आपको अलग से समझाती हूँ कि ये कितना पार्ट है। और एक बात का ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि मैडम ने सर्किल बिठाया है, सर्किल नहीं होता। एटम कैसा होता है, जनरली बात करें तो स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है। तो ये तो सिर्फ दिखने में हमें 2D में दिख रहा है, लेकिन ये होता कैसा है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल की बात करूं, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं उस पोर्शन को, तो ये कुछ ऐसा होगा। देखो आप इधर देखो, हमारा सिर्फ ये पोर्शन आ रहा है। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा मैम 1/4 जो है इस क्यूब के अंदर आ रहा है, आप यही कहोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो ये आधा पार्ट तो वैसे भी हट गया, अब बचा कौन सा, सिर्फ ये नीचे वाला आधा पार्ट। तो मैं इसको यहां लिख सकती हूँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और थोड़ा ढंग से बनाते हैं इसको, ऐसा ही होगा ये, क्योंकि आधा पार्ट तो है ही नहीं। आधे पार्ट में से भी कितना पार्ट है, देखो ये पूरा स्फीयर हो गया। आप समझ रहे होंगे, कोई बोल होगी उसको आधी काट दो, कोई बोल है उसे आधी काट दो अगर ऊपर से, तो क्या बचेगा हमारे पास, या फिर गोल बर्तन जो हमारे पास घर में होता है, ठीक है, उसमें से भी चार पार्ट, 1, 2, 3 और ये 4। हमारे पास सिर्फ ये इतना पार्ट जो है ये इस क्यूब के अंदर है, सिर्फ ये इतना, मतलब के आधे का भी 1/4, समझ रहे हो आप, इस आधे का भी 1/4 जो है क्यूब के अंदर है। जब अगर आधे का 1/4 है तो पूरे का कितना होगा, 1/8, कितना होगा 1/8। तो मतलब कि इस पूरे क्यूब का या पूरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का या पूरे एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट जो है इसके अंदर है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी कॉर्नर पर, किसी भी एक कॉर्नर पर, यानी इस कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना क्यूब के अंदर है, सिर्फ 1/8, कितना है 1/8, समझ में आई। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन वन कॉर्नर कितना है 1/8, बात समझ में आ गई होगी आपको इससे। अब मैं बात करती हूं कि टोटल, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्यूब, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक, क्यूबिक है ना, क्यूब के लिए कर रहे हैं हम। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हुए, तो देखो टोटल कॉर्नर्स कितने थे 8, और एक कॉर्नर पर कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है 1/8, टोटल कितना हुआ 1, यानी कि टोटल 1 एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इस पूरे प्रिमिटिव यूनिट सेल में। क्योंकि दोबारा सुन लो, क्योंकि क्या हुआ है कि एक कॉर्नर पर सिर्फ 1/8 थी जो है, देखो सिर्फ 1/8 थी जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और वो क्यों है मैंने आपको बता दिया कि आपको दिखने में ये सर्कल लग रहा है, लेकिन सर्कल नहीं है, ये स्फेरिकल है, ठीक है, ये 3D में होता है। आपको अगर आपको इस लेक्चर को ढंग से समझना है या पूरे सॉलिड स्टेट को ढंग से समझना है ना, तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो आपको बढ़ानी होगी, तब इजी हो जाएगा आपके लिए सारा चैप्टर। तो आप देखो ये स्फीयर है, स्फीयर का आधा पार्ट तो हटा ही दिया, मतलब आपके पास कोई बॉल है, या फिर मैं आपको ऐसे बता दूं, बॉल है कोई, ये मेरा हाथ है, ये पूरी बॉल है, ठीक है, इस बॉल का मैंने ये पार्ट हटा दिया तो बस ये ऐसे रह गया। अब इसके अंदर मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, अब इसके अंदर कितने पार्ट होंगे, 1, 2, 3 और 4, चार पार्ट कर लिया, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से भी आधा पार्ट तो हटा दो, मतलब हाफ में से भी हाफ तो हटा दिया, और सिर्फ उसका एक हाफ का 1/4 जो है यहाँ पर दिख रहा है। अगर हाफ का 1/4 है तो पूरे का क्या होगा, 1/8, यानी कि पूरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में से सिर्फ और सिर्फ 1/8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक कॉर्नर पर बैठा है। और ऐसे कितने कॉर्नर है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल कितने हो गए एटम्स, 1 एटम जो है इस पूरे प्रिमिटिव यूनिट सेल में बैठा हुआ है। कितने एटम बैठे हुए हैं, 1, आई बात समझ में, तो 1 जो है पूरा बैठा हुआ है इस प्रिमिटिव सिंपल यूनिट सेल में। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर आप दोबारा समझ लीजिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये, हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्यूबिक लैटिस सिस्टम। और हम सबको पता है कि क्यूबिक लैटिस सिस्टम में तीन यूनिट सेल बनती है, तीन टाइप की, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव का हम लोग निकाल चुके हैं, कितने एटम्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टोटल 1। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो चलिए पहले मैं इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहली बात, फेस सेंटर्ड में हमने क्या पढ़ा था पहले कि कॉर्नर्स पर तो एटम होंगे ही होंगे, तो कॉर्नर्स पे हम सिचुएट कर देते हैं। कॉर्नर्स पर बैठ गए, अब बिठाते हैं हम फेसेस पे। कितने फेस होते हैं टोटल? 6। तो देखिए यहां पर बिठा दिया, इधर बिठा दिया, नीचे बिठा दिया, ऊपर बिठा दिया। अब रह गए फ्रंट और बैक। फ्रंट और बैक, आपको फ्रंट और बैक ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन क्या होता है ना कि ये 3D स्ट्रक्चर है और अभी बोर्ड पे तो ये 2D ही दिखेगा, तो लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि जो 6 फेसेस होते हैं उस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम और अब स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो देखो इसमें कॉर्नर्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कहां कहां होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कहां कहां होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं एक तो, दूसरा कहां होते हैं? फेसेस पे होते हैं। कॉर्नर्स पे हमने कैलकुलेट किया था कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टोटल कितने होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। हमने कैलकुलेट किया था ना प्रिमिटिव में, 1 ही होते हैं, 1 होते हैं। बात करें फेसेस टोटल कितने होते हैं, फेसेस टोटल कितने होते हैं? 6। फेसेस टोटल कितने होते हैं? 6। ठीक है, अब ये तो फेसेस 6 होते हैं, हम बात करते हैं कि हर एक फेस पर, एक फेस पे कितना एटम है, एक फेस पे कितना एटम है। आप देखिए यहां से देखिएगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये अगर ऊपर वाली लेयर है, आप ऐसे देखो, ये जो है ये पूरा फेस है, ठीक है, ये पूरा फेस है, इसमें मैं अगर एटम रखती हूँ और ये अगर 2D है तो एटम जो है गोलाई में है, स्फेरिकल है, तो ये आधा तो अंदर होगा आधा बाहर की तरफ होगा। एटम क्या होगा? आधा अंदर की तरफ आधा बाहर की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक फेस पर सिर्फ और सिर्फ आधा ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 1 फेस कितना है? सिर्फ आधा है, सिर्फ आधा है। कैसे? आप जब आपके पास अगर कोई ऐसी इमेज आए या कोई भी आपके पास लकड़ी का बॉक्स भी हो तो आप उसमें देख सकते हो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मैंने अटैच किया है ना तो आधा ऊपर रहेगा आधा अंदर रहेगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 1 फेस कितना है? आधा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 6 फेस, क्योंकि टोटल 6 होते हैं ना, कितना रहेगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 3। ठीक है, तो अब देखो टोटल कितने हो गए, 6 फेसेस में तो कितने एटम है? 3। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं? 3। और कॉर्नर्स पर कितने हैं? टोटल 1। तो टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो गए? 3 + 1 = 4। कितने हो गए? 4 हो गए। बात समझ में आ गई? 4 हो गए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोबारा समझा देती हूँ, यहाँ पर क्या हुआ है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम क्या करते हैं कि हर फेसेस पे जो है हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, ये इस तरीके से होगा स्फीयर। तो देखिए आधा स्फीयर तो इसके अंदर होगा, अगर ये ऐसा है तो आधा स्फीयर कहाँ होगा? पीछे। आधा स्फीयर पीछे होगा, मतलब आधा स्फीयर तो अंदर की तरफ होगा क्यूब में और आधा स्फीयर होगा बाहर की तरफ, वो इस क्यूब के अंदर नहीं शामिल होगा। और होगा कितना एक फेस में? सिर्फ आधा ही क्यूब जो है, आधा ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है शामिल होगा। ठीक है, अब जब एक फेस में आधा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल शामिल होगा तो आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ, मतलब 6 फेसेस में कितने होंगे? 6 × 1/2 यानी जब एक में हाफ है तो 6 में कितने होंगे? 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बात समझ में आई, जब फेसेस में 3 है और कॉर्नर्स पर एक एटम है, टोटल कॉर्नर्स पर एक और टोटल फेसेस पे 3, तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो गए? 4।
आई बात समझ में? कोई भी प्रॉब्लम आए आप दोबारा देख सकते हो वीडियो को, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है? 4 होता है टोटल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बॉडी सेंटर्ड, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। पहले वापस इसका डायग्राम बनाते हैं। कॉर्नर्स पे होंगे एटम्स, जैसे कि हमें पता है, ठीक है। एक तो कॉर्नर्स पे होंगे, साथ ही कहाँ होते हैं बॉडी सेंटर्ड पे? बॉडी के अंदर। जैसे कि आपने एक चौक के डब्बे में पूरा का पूरा एक बॉल रख दिया हो, वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर यहाँ बड़ा सा बना लेती हूँ मैं, ये बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्यूबिक लैटिस सिस्टम हमें काउंट करना है। पहले तो आप देखो कि कहां पर होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, कहां कहां होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहला तो कॉर्नर्स पर होते हैं, दूसरा बॉडी के अंदर, इन बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर तो देख लो, पूरा का पूरा जब बॉक्स के अंदर आ रहा है एटम्स, पूरे के पूरे अंदर आ रहे हैं, तो बॉडी के अंदर तो कितना होता है? पूरा पूरा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कितना होता है? एक। और कॉर्नर्स की बात करूं तो हमने प्रिमिटिव वाले में निकाल रखा है, 8 कॉर्नर, मतलब एक कॉर्नर पर जब 1/8 है तो 8 पे कितना होगा? 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये सबसे इजी है। टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 और 1, 1+1, 2। बहुत इजी है ये वाला, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, बॉडी के अंदर पूरा का पूरा जब बॉडी के अंदर जब आप डाल रहे हो तो बाहर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बॉडी के अंदर जब एक है तो एज इट इज मैंने बता दिया कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो बॉडी के अंदर। और कॉर्नर के लिए अपन ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर चुके हैं प्रिमिटिव वाले में। प्रिमिटिव वाले में पता था ना हमें कि एक कॉर्नर में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? ओनली 1/8। और टोटल जब 8 है, जब टोटल जब 8 कॉर्नर्स है तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1+1, 2। आई बात समझ में? बहुत इजी था ये वाला, तो इजीली समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए अब हम लास्ट एक चीज करते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें समराइज हो जाएंगी। यूनिट सेल कौन से हैं? पहला प्रिमिटिव, दूसरा फेस सेंटर्ड, और तीसरा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव, फेस और बॉडी सेंटर्ड। एक मैं बॉक्स बना रही हूं आपके लिए, टेबल बना रही हूं, जिससे क्या होगा आपके लिए इजी बन जाएगा। यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं? तो देखो प्रिमिटिव में कितने थे टोटल? 1। कितने थे? 1। और साथ ही साथ एक और बना लो टेबल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां सिचुएटेड है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिचुएटेड एट, कि भाई कहां सिचुएटेड है, ठीक है। तो देखो कितने होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल में, प्रिमिटिव में 1। कितने होते हैं? 1। सिचुएटेड कहां पर होता है ये? कॉर्नर्स पर। बात समझ में आ गई? फेस सेंटर्ड की बात करूं तो कितने थे टोटल? 4। कितने थे टोटल? 4। अभी कैलकुलेट किया है ना, 4। और कहां पर सिचुएट होता है? कॉर्नर्स पे तो होता ही है, साथ में फेसेस पे, ठीक है।
एक है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ दो। कितने होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? दो। और कहाँ कहाँ सिचुएट होता है ये? कॉर्नर्स पर और साथ ही साथ बॉडी में। कहाँ पर? इन बॉडी। इन बॉडी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब मैं आपको एक और चीज करवाऊंगी जो कि नीट में पूछा जाता है। अगर आप नीट या फिर आईआईटी जेई के लिए एस्पिरेंट हैं तो उसमें ये चीज पूछी जाती है आपके, वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में भी है, आपके सिलेबस में भी है, लेकिन वो इतना बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन क्लासेस में जाएंगे, जब आप नीट की तैयारी करोगे ट्वेल्थ के बाद में या ट्वेल्थ के साथ में, जब भी आप करोगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आपको वो फॉर्मूला और वो चीज और बता देती हूँ। ये देखा था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्यूबिक सेल में कितने हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में कितने हैं, उसकी हमने बात कर ली। फेस सेंटर्ड, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है यूनिट सेल होते कितने टाइप के हैं? दो टाइप के होते हैं, सिंपल और सेंटर्ड। सेंटर्ड में भी तीन टाइप के होते हैं, पहला टाइप फेस सेंटर्ड, दूसरा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा एंड सेंटर्ड। तो मैं अब आपको ये बताऊंगी कि एंड सेंटर्ड में भी कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। देखो, आपने फेस में जान लिया, आपने फेस सेंटर्ड में जान लिया, बॉडी सेंटर्ड में जान लिया, प्रिमिटिव में जान लिया यानी सिंपल में जान लिया। अब आप जानो कि एंड सेंटर्ड में कितने होते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके बहुत जरूरी, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं डायग्राम बना देती हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। सीधी सी बात है, एंड सेंटर्ड में भी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। कहां पर कहां पर होते हैं? पहले तो कॉर्नर्स पर होता है और दूसरा कहां पर होता है? किसी भी अपोजिट टू फेसेस पर। ठीक है ना, कॉर्नर्स पर बिठा दो। और कोई भी अपोजिट दो फेसेस, तो मैंने ऊपर और नीचे कर दिया, या फिर लेफ्ट या राइट कर लो, तो एक यहां पर बिठा दिया, एक इधर बिठा दिया। आप ऊपर नीचे और बैक और फ्रंट कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बन गया। तो कॉर्नर्स पर कितने होते हैं एटम्स? सिर्फ एक ही होता है कंट्रीब्यूशन, पढ़ाया था प्रिमिटिव में। कॉर्नर्स पर, क्योंकि टोटल कॉर्नर 8 और एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8। तो कैसे? 8 × 1/8 = 1। बात करें अपोजिट टू फेसेस पे, तो पहले बात करो कि एक फेस पर कितना होता है। एक फेस पर, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जितने भी फेसेस होते हैं उसमें एक फेस पर सिर्फ आधा ही जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या आधा ही आइटम जो है कंट्रीब्यूट करता है, आधा ही आइटम जो है जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए एक फेस पर, जब इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, जब इसमें एक फेस पर कितना जुड़ा हुआ है? वन फेस पर जब आधा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो दो फेसेस है ना, यहाँ पर अपोजिट दो फेसेस ले रहे हैं तो दो पर कितना जुड़ा हुआ होगा? 1 × 2 × 1/2 1। तो टोटल कितने होंगे? 1 + 1 = 2। कितने होंगे? इसमें भी 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। सिंपल सा आपको कैलकुलेट कर लो, इन 8 में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में तो 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये रहा फेस 2 है ना, जब एक फेस में आधा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो 2 में कितने होंगे? 1। तो 1 और 1 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। एक्चुअली इससे क्या है, डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन उठ के आ जाता है और कभी कभी बोर्ड में भी इसे पूछ लिया जाता है, लेकिन आपकी बुक में जो है ये दे रखा है पर बहुत शॉर्टली दे रखा है, तो मैंने सोचा मैं आपको डीपली बता दूं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। एंड सेंटर्ड में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं? टोटल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो। मैंने बच्चों को ऑलरेडी होमवर्क दे दिया है ग्रुप में बच्चों को, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।